हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को। कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कंस की बहन पूतना राक्षसी कंस की आज्ञा पाती है। गोकुल गांव के घर घर में वह कृष्ण ढूंढने आती है। आखिर कृष्ण का पता लगा वह ग्वालिनी सी बन जाती है। गोद में लेकर बाल कृष्ण एकांत में दूध पिलाती है। प्राण खींच कर माता को तार देते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान अति मायावी तृणावर्त था दानव गोकुल आया। अपनी माया से तूफान रचा आतंक मचाया। बाल कृष्ण को लेके उड़ा पर बालक ना घबराया। छोटे छोटे हाथों से दानव को मार गिराया। दानवी शक्ति शक्ति मिटा के पालनहार बनते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान बाकासुर को दंडित करते कागा का करते संहार। आघासुर को मार गिराते करते धेनु का उद्धार। असुर मिटा करे असुर मिटा कर आनंद का संचार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान No.
तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से, नाथ तेरे आने से। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ढोली डंडा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देवकी का आठवां बालक कंस के हाथ नहीं आया तो क्रोध के मारे उसने ये आज्ञा दे दी कि पिछले दो महीनों में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए। हमारे राज्य में दो महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। तो उसके सैनिक निरी प्रजा पर शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। माओं की गोद से छीन छीन कर बच्चों का सामूहिक वध किया जाने लगा। कई लोगों ने अपने बच्चों को छोटे छोटे लकड़ी और फूस के तख्तों पर रखकर नदी में बहा दिया ताकि वे किसी प्रकार सैनिकों की तलवार से बच जाएं। उधर जब कुछ सैनिकों को यह पता चला कि गोकुल में भी एक बालक का जन्म हुआ है तो वे उसे मारने गोकुल पहुंचे, परंतु गोकुल के ग्वालों ने उन्हें पत्थर मार मार कर भगा दिया। आ,
क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले एक महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। ये तो अत्याचार है। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या। उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो। अब हमारी लल्ला पर उसके सैनिकों की दृष्टि पड़ गई है। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए, मैं आने रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो। कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। वो सारे गोकुल को उजाड़ देगा, वो परम शक्तिशाली है। नहीं यशोदा, नहीं, वो परम शक्तिशाली नहीं है। एक आततायी शक्तिशाली हो सकता है, परंतु परम शक्तिशाली तो केवल धर्म होता है, और धर्म जिसके साथ है जीत उसी की होती है। कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ, महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंदो सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए, अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए, और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए। महाराज का हृदय कितना विशाल है, आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं, हम अपने सामंतों को सेवक नहीं अपना साथी समझते हैं। आप विश्राम करें। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है ये वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो, यही
जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि ये सत्य है कि ये देवकी की आठवीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे ये काम वही कर देगा। नहीं चलो, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा ये कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना। पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ, पर मुझे पूर्ण विश्वास है आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तो मैं उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया? ये नन्ना सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए ये कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें, यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी, एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंदग्रह में समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। Thank you.
देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। पधारी हैं और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ये बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूं। स्वागत है, आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे दो सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी। बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे दो सिद्धियाँ प्राप्त हैं। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। हाँ
यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ यशोदा। मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। मुझे लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला। तो नहीं ना, चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है, फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य अवश्य, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लल्ला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाए, यही उचित है। Thank you.
कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान। माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में ये दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मनी मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्तम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गईं। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो ये कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो
तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चारूड़ हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है वो आपके किसी मायावी का नहीं। तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। कहो कहो ये कार्य कब सिद्ध करोगे? कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्या का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। दीदी जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी प्रभु। भिक्षा 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 भिक्षा। प्रभु प्रभु भिक्षा भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूं, बाणासुर की नगरी से आया हूं। दो दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी, परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए, पधारिए, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भवा। इसकी आवश्यकता नहीं देवी, तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम। ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपके प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है, रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 ओम नमः शिवाय। भैया। हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ आप बताओ भैया। पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ बड़ा मजा आएगा। चामुंडाय विच्चे ओम, चामुंडाय विच्चे ओम, चामुंडाय विच्चे ओम, चामुंडाय विच्चे ओम, रीम क्लीम आ ओम, रीम क्लीम ओम, चामुंडाय विच्चे ओम, ओम चामुंडाय विच्चे ओम, रीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम you
क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था, इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। जी जी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है। चोर भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? पावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, ये हार चुरा कर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा, किसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? इसका कारण है, कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, दो दिन से भूखा था, धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर ये भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी। इन्हें जाने दो, जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। उतना गई, लौट कर नहीं आई। श्रीधर ब्राह्मण गया, वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आ करने लगा। कागासुर, आज्ञा महाराज। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नंदे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, महाराज, मेरे हृदय आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच? हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों ना बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका ये अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका ये कार्य सिद्ध हो गया। हाँ, यदि ये कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। हाँ, अवश्य। यशोदा जी, भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना, क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे। Thank you.
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ, क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे, सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। हाँ? लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है। मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है? नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो, इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आप हमारे कुलगुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है, आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिगुं विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानु यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदय पुरुषाः पादोस्य हा भवत् पुनः तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। वाह, क्या लीला है आपकी! शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। चाक्षुष मन्वंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए
हमने वारा रूप धारण किया था। ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है, जाओ देह रहित हो जाओ। विदेह भव दुर्मति। ये क्या हो गया? क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा उद्धार कीजिए, क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोद है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही व्यवस्थ मनो अंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। आओ मित्र, तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। जो आज्ञा स्वामी। क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज।
भगवान। राक्षस है जो बगुला बनकर आया है। भागो रे भागो, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। ओ, चलो, भागो, चलो, 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 भागो। अरे गोकुल के वीरो, इस प्रकार कायरों की भांति कहां भाग रहे हो? तनिक ठहरो, मैं देखता हूँ ये कैसा बगुला है। कहां जा रहे हो कान्हा? ये बगुला नहीं, कोई भूत प्रेत है। छोड़ मनसुखा, मुझे जाने दे। नहीं नहीं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी सेना का क्या होगा? चल भाग चले यहाँ से। यदि हम भाग गए तो वो हमारे बछड़ों को खा जाएगा। इनकी रक्षा तो भगवान करेंगे। जो भगवान उनकी रक्षा करेगा वो मेरी भी करेगा। मैं अपने गैये बछड़ों को संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। मत जाओ, मत जाओ, कृष्ण, ठहरो, जाने दो इसे। कान्हा, मत जाओ। मैं कहता हूँ इसे कुछ नहीं होगा, जाने दो इसे। जाओ कृष्ण, तनिक देखो कौन है ये। अच्छा दाऊ भैया। देखा, कुछ नहीं करता। अरे भैया, कौन हो तुम? क्यों इस प्रकार बालकों को डराते हो? देखा, कुछ नहीं कहता। Thank you.
बताओ बताओ, अभी और कोई है? है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। वो अजगर? हां महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है, वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो अघासुर? मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा, आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं, मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ। सेना है, दो बछड़ों से डर के अपने सेनापति को भी फेंक कर भाग गए। वाह वाह, जो अपने सेनापति की रक्षा नहीं कर सकते उनकी रक्षा कौन करेगा? उनके सेनापति? अरे भाई, हमारा तो सब कुछ तू ही है, सोते जागते हमारा मन तो केवल तेरे ही चिंतन में खोया रहता है। श्री दामा मन सुखा, छोटेपन से ही ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके सारा काम मेरे से ही कराते आए हो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैंने चोरियां भी की। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे आश्रय हो तो सारा काम मैं ही संभाल लूंगा, परंतु इतना काम तो करो कि अपने सेनापति को भूखा ना मारो। देखो दोपहर का समय हो गया है, चलो खोलो सब अपनी अपनी गठरियां, भोजन तो कर ले। जो आज्ञा सेनापति जी। हाँ, अरे ये गुफा कहां से आ गई? चलो चलकर देखें। Thank you.
गुफा के अंदर कितनी लंबी सुरंग है। देखो कान्हा कितनी ठंड है यहाँ। आज से हम यही भोजन किया करेंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे दीन बंधु, मैं अधिदैत्य शंखासुर का पुत्र था। कामदेव के समान मुझे अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा ही अहंकार था। एक दिन वन में मैंने महर्षि अष्टावक्र को देखा। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर मैं अपनी हंसी रोक न सका। क्या सुंदर चाल है! आपकी ऐसी सुंदर चाल को देखकर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी लजा जाती होंगी। मैंने कहा यह कुसुम लता की बेल की भांति बलखाती यह सुंदर और लचकदार कमर किस दुकान से लाए हो भैया? हमें भी उसका पता बता दो। तुम्हें वहां का पता चाहिए? वो दुकान है भगवान की। भगवान की दुकान से यह मुझे शरीर मिला है। उस दुकान पर ऐसी लचकदार कमर और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले करोड़ों शरीर धरती पर रेंगने वाले सांपों को दिए जाते हैं। सो जा, तू सर्प हो जा। वहां तुझे अष्टावक्र तो क्या शतवक्र शरीर प्राप्त हो जाएगा। ओ तुम सर्पो भव दुर्भते। क्षमा क्षमा महामुनि, मुझे क्षमा करें। मैंने सिर्फ विनोदवश होकर आपका अपमान किया है।
इतनी छोटी भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड न दें। ये भूल छोटी नहीं है असुर कुमार। संसार में प्रकृति के नियमानुसार किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को सुंदर, किसी को कुरूप, किसी को स्वस्थ, किसी को कोढ़ का मारा हुआ शरीर मिलता है। इसे प्रभु की लीला समझकर किसी कुरूप व्यक्ति को देखकर उसका प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। यह महापाप है। इसलिए अपनी सुंदरता के अभिमान में कुरूप को कुरूप, लंगड़े को लंगड़ा या किसी काने को काना कहकर उसकी हंसी उड़ाने से उसकी आत्मा को जो पीड़ा होती है, उसके अंतर में जो वेदना होती है, वो महापाप है। और उस पाप का दंड बड़ा भयंकर होता है। परंतु आप तो महात्मा हैं, शरणागत की रक्षा कीजिए। महात्माओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। मेरा शाप तो टल नहीं सकता, किंतु तू मेरी शरण में आया है तो जा। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर पधारेंगे तो उनके चरण स्पर्श से तेरे सर्प शरीर का अंत हो जाएगा और उनके दर्शन के फलस्वरूप तू पाप वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करके उन्हीं की ज्योति में समा जाएगा। का वचन सत्य हो गया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरी वृत्ति अहंकार रहित हो गई। अब इस अकिंचन आत्मा को आपकी चरण रज में विलीन कर लीजिए। समस्त प्राणियों का शरीर अहंकार से निर्मित एक बुलबुले की भांति होता है, जिसमें मेरा प्रतिबिंब ही जीवात्मा कहलाता है। जब अहंकार का नाश होने से बुलबुला फूट जाता है, तब वो प्रतिबिंब वापस अपने बिंब में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मेरे ही संकल्प से समस्त प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही समा जाते हैं। अतः तथास्तु। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं। असुर जनों को पाप शाप से मुक्ति दिलाने को, भक्त जनों को प्रेम भक्ति का मर्म बताने को। कृष्ण अवतार लेते हैं, असुर उद्धार करते हैं।